नमस्कार सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोला कि मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। दोनों में बहस बढ़ गई। अब दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए तो इंद्र ने उन दोनों को अचानक अपने पास देखकर पूछा कि क्या बात है। इस पर जो लक्ष्मी थी वो कहने लगी, हे देवराज इंद्र, आप हमारा फैसला करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी ने कहा कि मेरे बिना जीवन अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। मेरे बिना कोई भी सुख सुविधा, भोग विलास, कोई भी कर्म नहीं हो पाता है। उसके बाद धर्म ने कहा कि हे देवराज इंद्र, बिना धर्म के भी जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता है, इसलिए हम चाहते हैं आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। अब देवराज इंद्र बड़े धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं ये कैसे बताऊं कि कौन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी मेरे पास से चली जाएगी। उन्होंने बहुत सोचा और कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने दोनों से कहा कि मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है, उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ, वो दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए और दोनों राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और बोले, हे राजन, आप बहुत ही न्यायकारी राजा हैं। आपका देवता भी गुणगान करते हैं। हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले कि ठीक है, पहले आप दोनों मुझे अपनी बात बताएं, फिर मैं तुम दोनों का किस्सा सुनकर ही ये बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य को बताई। लक्ष्मी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चला जाता, चल सकता है। बिना लक्ष्मी के तो व्यक्ति रह सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए राजन, हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वो समझ गए कि ये बहुत ही कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, धर्म से खाली हो जाऊंगा, मेरे पास धर्म नहीं बचेगा। और यदि मैंने धर्म को बता दिया, अगर मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएगी, और अगर मैंने लक्ष्मी को बता दिया बढ़ा तो धर्महीन हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लक्ष्मी एक बार न भी रहे तो काम चल जाएगा। अब राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी को उन पर बहुत गुस्सा आया और वो उनसे क्रोधित हो गई। अब उनका सारा राजपाट, धन, वैभव सब जो है गायब कर दिया लक्ष्मी जी ने। राजा विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। वे वहां से चलकर एक नदी के पास आए और सोचा, चलो नदी में से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी में से कुछ मछलियां पकड़ ली, फिर उन्हें भूनकर नदी के किनारे रख दिया। उन्होंने सोचा कि
पहले स्नान कर लूं और उसके बाद ही मछलियों को खाऊंगा। जैसे ही वे नहाकर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सारी मछलियां जल में कूद गई। वो समझ गई ये सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। वो कुछ नहीं बोले, भूखे ही वो अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को वहाँ के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे हालात हैं मेरे भाई के और वो कैसे आ रहा है, तो लोगों ने बताया कि वो फटेहाल वस्त्र पहने हुए हैं और पैदल ही चला आ रहा है। उसने कहा कि जाओ मेरे भाई को घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और उसके खाने के लिए चोकर की रोटी दी गई। वो समझ गई ये सब लक्ष्मी माता की नाराजगी का असर है, इसलिए उन्होंने वहीं जमीन में खड्डा खोदकर वो रोटियां गाड़ दी और बोले कि हे धरती माता, मैं जब दोबारा यहाँ आऊंगा तो आप ये रोटी इन्हें इसी स्थिति में संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बिना बताए वहाँ से चुपचाप निकल गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक परम मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने उनका बहुत जोर से स्वागत किया और खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे। राजा विक्रमादित्य जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर एक नौ लखा हार टंगा हुआ है और वो खूंटी धीरे धीरे उस हार को निगल रही है। वो समझ गए कि ये भी लक्ष्मी माता की कोई चाल है। अब जो है खूंटी उस हार को निगल गई। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उनकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने ही मेरा नौलखा हार चुराया है। उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया। यह आरोप उसकी पत्नी ने लगा दिया तो वहाँ से विक्रमादित्य चल दिए और चलते चलते वे किसी दूसरे राज्य में पहुँच गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। इधर उस राजा के जिसके राज्य में राजा विक्रमादित्य पहुँचे थे, उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वे धन उन्होंने लाकर सोते हुए राजा विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों को ढूंढते हुए जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा हुआ है। उन्होंने समझा कि असली चोर यही है, क्योंकि इसी के पास धन बरामद हुआ है। अब जो सैनिक थे राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि तुमने ये धन चुराया है, तो विक्रमादित्य ने कहा, राजन ये धन मैंने नहीं चुराया है। पर उसके पास अपनी बात को सत्य करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो अपनी बात को सिद्ध कर सके। उसके पास इस चीज का कोई भी साक्ष्य नहीं था, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ और दोनों पांव कटवाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें एक चौक पर बिठा दिया और साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया और वहां पर लिख दिया कि जो भी यात्री इधर से गुजरेगा उन्हें पांच जूता अवश्य मारेगा। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें पांच जूते मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े हुए थे। राजा ने उनसे कहा कि हे मित्र, मेरे पैर पर मक्खियां बैठ रही हैं, जो मेरे घाव में बहुत पीड़ा पहुंचा रही हैं। इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। पहले तो तेली हंसा और फिर बोला, एक तो तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, दूसरा मुझे मित्र बोल रहे हो, क्योंकि वो तेली एक बहुत ही अच्छा और दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उसके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना ही का उतना ही बचा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ है कि मेरे घड़े का तेल
खत्म नहीं हो रहा है। उसकी समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वो जरूर कोई देवात्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब अपने घर पहुंचा तो वो बहुत ही खुश था। उसकी पत्नी ने उसकी खुशी का कारण पूछा तो उसने सुबह की सारी बात अपनी पत्नी को बता दी कि कैसे एक लूले लंगड़े व्यक्ति को उसने जो तेल लगाया है। वो बोला, वो व्यक्ति जरूर कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप किसी भी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तेली ने अपनी पत्नी से कहा कि राजा ने उसे दंड दिया है, इसलिए हम बिना राजा से पूछे उसे नहीं ला सकते हैं। इसलिए पहले हमें राजा से एक आज्ञा लेनी होगी और उसके बारे में बात करनी होगी। तेली ने अपनी पत्नी को समझाया तो वो बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात करना, अब देरी करना ठीक नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह वो तेली राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने उससे आने का कारण पूछा तो वो तेली बोला, मालिक यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले आऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी और मेरी पत्नी की इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, वैसे भी वो व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वो तेली राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य उस तेली के घर पहुंचे, उसके हर कार्य में बढ़ोतरी होने लगी, हर कार्य अच्छा होने लगा। जितनी उसकी वे सेवा करते उतनी ही सुख समृद्धि उनके घर में बढ़ने लगती। इधर राजा की जो राजकुमारी थी वे बहुत ही सुंदर और विदुषी थी। वो लगभग हर कला के क्षेत्र में पारंगत थी। वो शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती थी और फिर जब वो रात को दिए बुझाती तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। ऐसा जब 2-3 दिन तक लगातार हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं न कहीं राजा विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं जिनमें राजा विक्रमादित्य का स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ था। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। दूर दूर के राजाओं को राजकुमारी के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। जिस दिन राजकुमारी का स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थान पर लेकर चलें। तेली ने उसे बहुत समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते हो तो बताओ, कहीं तुम्हें कोई चोट लग गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब विक्रमादित्य जिद पर अड़ गए तो वो तेली उन्हें ले जाने के लिए राजी हो गया। वो बोला, प्रातः सुबह मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर के बाद राजा का सैनिक ये संदेश लेकर आया कि उन्हें 100 घड़ा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, अरे भाई, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा है। वो बोला, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर सुबह तक 100 घड़े तेल नहीं निकाल सकता। सैनिक कहने लगा कि ये तो राजा का आदेश है, आपको ये कार्य करना ही होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब तेली बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे बहुत तनाव में देखकर वह ये तो असंभव कार्य है ये सोच सोचकर वो बहुत दुखी हो रहा था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो तेली ने अपनी चिंता का कारण राजा विक्रमादित्य को बताया और कहा कि राजा ने 100 घट मंगवाई है सुबह तक, इसके कारण कि मैं ये घड़े सुबह तक तेल नहीं निकाल सकता। इसकी चिंता मुझे बहुत हो रही है, क्योंकि यह बहुत असंभव कार्य है। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप चिंता न करें, आप मुझ पर विश्वास कर लें।
कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 घड़े तेल के लिए मंगवा लिए। अब सैनिक 100 घड़े लेकर तेली के घर में रख गया। रात में राजा विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं। मैं रात में 100 घड़े तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली, बेटा तेरे तो हाथ पैर भी नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि माँ तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब काम कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घड़े तेल निकाल दिया। सुबह जब राजा के सैनिकों ने देखा तो वे आश्चर्य में भर गए। उन्हें जो तेली और उसकी पत्नी तेली थे, अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि जरूर ये लड़का कोई देवता है। इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए। फिर उनको ले जाकर स्वयंवर से दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमारी सब स्वयंवर में जनसभा लगी थी उसमें आ गई। जब राजकुमारी को चुनाव करने के लिए भेजा गया तो उन लोगों में वो राजा विक्रमादित्य को देखने लगी। परंतु उसे राजाओं में किसी भी राजकुमार में ऐसा तेज नहीं दिखाई पड़ा कि वो विक्रमादित्य के जैसा लगे। तभी उसकी नींद दूर बैठे उस अपंग व्यक्ति पर गई। उसे देखकर उसमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उसका तेज देखकर वो समझ गई कि जरूर यही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या था, वो माला लेकर और उस ओर चल पड़ी और उस अपंग के पास पहुंचकर माला उसके गले में डाल दी। वहां मौजूद सभी राजा राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा, लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उसे ये गलती हो गई है। सबने राजकुमारी को पंखा करने लगे, जल पिलाने लगी और फिर दोबारा से उसे माला देकर कहा कि जाओ अपने वर का चयन करो। राजकुमारी फिर माला लेकर विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां मौजूद जनसमूह को लगा कि राजकुमारी का सच में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर किसी अपाहिज के गले में माला क्यों डाल रही है। आखिर में लोगों के सुझाव से राजकुमारी को फिर से मौका दिया गया कि वो अपने सही वर का चुनाव कर सके। इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाली। राजकुमारी के व्यवहार से राजा और राजकुमार सभी क्रोधित हो गए। राजकुमारी के पिता से बोले, आपकी पुत्री को यदि एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको आपने आमंत्रण क्यों भेजा। राजा भी बहुत शर्मिंदा था, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन तो हर पिता माता को करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज व्यक्ति से करवा दिया और राजमहल से विदा होकर राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और तेली की पत्नी इस बात से बहुत चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी। वो तो राजकुमारी है, बड़े महलों में सुख सुविधाओं में रहती है और हम कहां मामूली से तेली हैं। पर राजकुमारी ने उनकी इस चिंता को भी निरर्थक साबित कर दिया। वो उनके साथ सहजता से ही घुल मिल गई और उनके साथ आराम से रहने लगी। विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है और वह राजकुमारी से कहने लगे कि वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए गए किसी हिरण को मांग कर ले आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा को भी नहीं मारना चाहती थी, इसलिए मन मार कर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि उसके हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वो विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के बारे में उसकी भाभियां कुछ गलत कहें। फिर भी भाभियों ने उसके पति के बारे में उसे बहुत सुनाया। बोली,
जब हिरण का मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे राजकुमार को चुनती राजकुमारी। उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई क्योंकि उसकी भाभियां कह रही थी, शौक तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे रखती हो। मांस खाना है हिरण का तो राजकुमार को क्यों नहीं चुना जो तुम्हारे लिए शिकार करके लाते? तुमने तो उस अपंग को चुना है जो अपना भी ख्याल नहीं रख सकता है, तो वो तुम्हारी इच्छाओं को कैसे पूरी करेगा? ये सुनकर राजकुमारी थी, वो वापस विक्रमादित्य के पास आ गई और आकर उन्हें सारी बात बताई। अब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी बोली ठीक है। जब वे जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया तो उन्होंने कहा कि रुको, ये रुमाल है मेरा, इसे ले जाओ। राजकुमारी को ये कहते हुए उन्होंने राजा ने रुमाल दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा आने में कोई दिक्कत करे तो उन्हें ये रुमाल दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर से मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं उनका घोड़ा और तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ पर आतंक मचा रखा था, हर कोई उनसे परेशान था। तब उसकी भाभियों ने सोचा कि ठीक है, ये यहाँ से इन्हें ले जाएगी तो यह उनका शिकार बन जाएंगे, इससे हमें भी शगुन मिलेगा। उन्होंने महल से दोनों चीजों को ले जाने की स्वीकृति दे दी। जब राजकुमारी उन दोनों तलवार और घोड़ों को लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने को दौड़ी और घोड़ा भी दुलती मारने लगा। अब राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आया कि विक्रमादित्य की कही बात की उन्हें जब दोनों आने में आनाकानी करे तो मेरा रुमाल दिखा देना। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उसे दिखा दिया। विक्रमादित्य की रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास तेली के घर आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वो उस घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वो शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे? विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी और तेली ने मिलकर उसे घोड़े पर बिठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के वे घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी ये देखकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों में आंसू भर आई। उसने अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाने के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उसे लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी से घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वो आश्चर्य से हैरान रह गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर से घोड़े पर सवार थे। वो बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में ये जानने की जिज्ञासा भर आई कि ये सब आखिर क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के बाद वे सारी बातें उसे बता देंगे। जब वो जंगल में पहुंची तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ के जब ताजा शिकारों को देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि ये ताजा शिकार उनके लिए तो किसी इनाम से कम नहीं है। उन्होंने वे सारे शिकार उठा लिए और वापस अपने महल की तरफ चलने के लिए मुड़े। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उन्हें शिकार हुए हाथ मिल गए। अभी वो कुछ दूर ही चले होंगे कि उन्हें बहुत तेज प्यास लग आई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के एक पोखर के पास मोड़ दिया। जब वे वहां से जैसे ही जल पीने के लिए उतरे तो उन्हें एक आवाज ने उन्हें रोक दिया, पानी पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी से जल पीने के मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले कि हे राजकुमारों,
यहाँ का जल मेरी अनुमति के बिना कोई दूसरा जीव नहीं पी सकता है। पर राजकुमारों को प्यास के कारण उनका तो बहुत बुरा हाल था। जल के लिए वे योगी से प्रार्थना करने लगे। योगी ने कहा कि अगर तुम जल पीना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने दोनों कूल्हों को गर्म सिक्कों से लगवाना पड़ेगा। अब पानी के बिना उनका जो जीव थी वो सूख चुकी थी। पानी के बिना वे अधमरे हो गए थे। इसलिए योगी की शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने दोनों कूल्हों पर सिक्कों से दबाया। फिर जल पीकर वो रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य जी योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरी राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके चारों तरफ एकत्रित हो गई और बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शमन करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब उन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वे बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आपबीती सारी बात उन्हें बता दी। जब उन्हें पता चला कि वो राजा विक्रमादित्य हैं, तो वे उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वे तो उनसे नाराज नहीं हैं, अपितु उन लोगों ने तो अपने स्वजन यानी जो मेरे अपने परिवार वाले थे उनसे भी ज्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य राजकुमारी को फिर मैं राजमहल में ये कहकर भेजा कि इस बार तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करें तो बोलना कि वो अपने शिकार को केवल दिखा भर दे। जब वो शिकार को दिखाने पर राजी हो जाए तो तुम्हें शिकार दिखा दें। तो तुम उनसे पूछना कि उन शिकारों के कान और पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना उन्हें बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। वे बोले, आखिर तुम्हें ये थैला उनके सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी परिस्थितियां वही जन्मी थी जो पिछली बार थी। अपनी ननंद को देखकर उसकी भाभियां डींगे महकने लगी तो राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गई। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि ये सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखरे हुए कान और पूंछ जो नीचे बिखरे हुए हैं। वो कल पोखर में जल पीने गए थे तो उन्होंने उसका क्या भुगतान किया। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास कान पूंछ कैसे आई तो उसने बताया कि वो योगी कोई और नहीं स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, एक अपाहिज भला ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया जिसे वे अपाहिज कह रहे हो, वो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। ये सूचना जब राजा को मिली तो वे भी घबरा गए। आखिर में उन्होंने राजा विक्रमादित्य को दंड जो दिया था। राजा राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी न हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई थी। अतः आप लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं आप लोगों से नाराज हूँ। अब सब खुश हो गए और राजा और जो राजा था वो राजा विक्रमादित्य और अपनी बेटी को महल में ले गए, उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद राजा ने वहाँ से विदा ली और
पूजी साजो सामान के साथ राजा ने उन्हें बहुत धन दौलत देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य उस राज्य से माल असबाब के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि अब राजन हमें किस ओर चलें? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को उसके गुप्तचरों ने पहले ही समाचार दे दिया था कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। तो उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है। तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाव लश्कर के साथ आ रहा है। पूरे तो बहन ने तुरंत ही राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य बहन के नगर में पहुंचे तो बहन जो उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वे उसी गौशाला में पहुंचे, जहां उस बहन ने पहले ठहराया था और भूसे की रोटी उन्हें खाने के लिए दी थी। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली जो उस समय बहन ने उनके खाने को भेजी थी। जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट थी, बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना चाहिए था। अगले दिन वे वहां से रवाना हो गए। अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वे मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी यह विपत्ति टल गई। ये देखकर मन बहुत आनंद से झूम रहा है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे तो खुद भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वे विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में गया। वे दोनों मित्र के बीच पुरानी बातों को लेकर चर्चा हो गई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को वही भोजन परोसा गया जहां पर खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य जैसे भोजन करना शुरू किया है, खूंटी हर निवाले के साथ उस हार को उगलना शुरू कर दिया। विक्रमादित्य जैसे ही भोजन समाप्त किया, रानी ने नौलखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वे वहां उन्हें खोया हुआ नौलखा हार टंगा दिखा। राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने रानी से कहा कि ये कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र कदापि नहीं कर सकता जो दुनिया की तकलीफों को हरता रहता है। क्या वे एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ, अपना हार ले लो। रानी को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी, कहने लगी, हे राजन, उस समय मेरी बुद्धि को न जाने क्या हो गया था। मेरे अपराध की कोई क्षमा नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मुझे माफ कर दें। मेरी माफ करके मेरा दुख दूर करें। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज्यादा दुखी न हों। वो सब तो समय का खेल था। मुझ पर माता लक्ष्मी रुष्ट थी, इसलिए वो सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वे सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई और फिर अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो लक्ष्मी माता नगर के द्वार पर खड़ी हुई उन्हें मिल गई और वे बोली, हे राजन, तुम सर्वश्रेष्ठ हो और मैं गलत थी। तुम बिल्कुल सही हो, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पांवों में गिर पड़े और बोले, हे माँ, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा भी निखार हो गया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य ने विनम्रता से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुझको आशीर्वाद है। जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे।
और आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में खुद पहुंच गया और बहुत सुखपूर्वक वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।